ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। दर्पण फटाफट के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें अच्छे दिखें, और ऑस्पेशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। वक्त हो चला है दर्पण फटाफट का, तो देखते हैं दिल्ली एनसीआर की तमाम बड़ी खबरें। मोबाइल शोरूम का शटर उखाड़कर 30 लाख के मोबाइल चोरी करने वाले बदमाशों में से 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें से 3 बदमाश अब भी फरार है। आपको बता दें, इन चोरों ने चोरी किए मोबाइलों को नेपाल में सस्ते दामों पर बेच दिया था। दिल्ली सटे गाजियाबाद में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आपको बता दें कि ये नजारा वार्ड नंबर 34 का है, जहां पर AIMIM के एक प्रत्याशी की रैली में सैकड़ों लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, जिसके बाद बसपा और भाजपा के प्रत्याशियों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। फरीदाबाद ने दूसरे दिन भी दिखा रफ्तार का कहर। घटना नेशनल हाईवे नंबर 2 स्थित सीकरी गांव के पास की है, जहां एक निजी बस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई, जिसमें दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। गुस्साए लोगों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। पटेल नगर रेलवे स्टेशन के पास कुछ लोग भूख हड़ताल पर बैठते हैं। उनका ये धरना रेलवे अंडरपास को लेकर है। लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों में इस रेलवे फाटक की वजह से कई लोगों की जान गई है। ताहिरपुर स्टेडियम में खेले जा रहे यमुना चैलेंज ट्रॉफी में पहुंचे शिखर धवन ने सेल्फी लेते वक्त एक शख्स को जोरदार धक्का मार दिया। पूरा वाकया कैमरों में कैद हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर स्टेडियम में खेलो इंडिया की तर्ज पर यमुना चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसमें टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन और भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शिरकत की। दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के सिर कलम करने वाले को 10 करोड़ का इनाम का ऐलान करने वाले हरियाणा के बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को दिया है। गाजियाबाद के पौश इलाके वसुंधरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि एक डॉक्टर के क्लिनिक पर बदमाश चोर बनकर पहुंचे थे और डॉक्टर के परिवार को बंधक बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने BCCI की कमाई में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की है। आपको बता दें, इस साल खिलाड़ियों की कमाई में 2 गुना इजाफा हुआ था, जिसके बाद सालाना कमाई 20 करोड़ के आसपास है। गाजियाबाद की साहिबाबाद GDM मार्केट में चोरी की एक ऐसी घटना सामने है, जहां एक ही रात में दर्जनों दुकानों के ताले तोड़ दिए गए। आपको बता दें, इस मार्केट के पास ही एक पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। फिलहाल दर्पण फटाफट में इतना ही। अधिक खबरों की जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और दर्पण फटाफट को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर